से वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ये खबर 3 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रथ यात्रा में शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बगैर आमंत्रण के शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री की रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे। तो जो विवाद चाचा भतीजे का जो विवाद दिख रहा था उसमें कहीं ना कहीं एक कड़ी और ये जुड़ती हुई। सूत्रों के हवाले से यह खबर, 3 नवंबर को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो यात्रा थी, रथ यात्रा थी, उसमें शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि बगैर आमंत्रण शिवपाल सिंह यादव मुख्यमंत्री की यात्रा में शामिल नहीं होंगे। इस पर जानकारी के साथ अनामिका हमारी संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, क्या कुछ ज्यादा खबर मिल पा रही है इससे जुड़ी हुई? देखिए अरविंद, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच जो तल्खियां, नाराजगी दिखाई दे रही है, उसके बाद जो एक परिणाम स्वरूप देखने को मिल रहा है कि शिवपाल यादव का ये जो बयान आया है सूत्रों के से खबर आ रही है कि उन्होंने ये कहा है कि वो अखिलेश यादव की रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे तब तक जब तक उन्हें आमंत्रण नहीं दिया जाएगा, और अगर आमंत्रित नहीं किया जाता है तो वो उस रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अरविंद, देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी रथ यात्रा का कार्यक्रम बनाया है, उसमें उन नेताओं के ऊपर दारोमदार उनको दिया गया है जो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं, और जिनको नेताजी के निर्देश पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनको शिवपाल यादव ने बर्खास्त किया था कुछ दिनों पहले। तो बर्खास्त अखिलेश यादव के करीबियों पर पूरा का पूरा कार्यक्रम का कार्यभार है। लेकिन दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि शिवपाल यादव अब मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, और शिवपाल यादव ये इससे पहले भी कह चुके हैं कि चूंकि अब वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, तो अखिलेश यादव के माथहत नहीं है, उनके अधीन नहीं है। ऐसे में वो तब तक उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे जब तक उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता है, और अभी तक ऑफिशियल आमंत्रण उनके पास पहुंचा नहीं है। परसों ही रथ यात्रा निकलने वाली है, तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि चूंकि शिवपाल यादव ये बयान दे रहे हैं कि जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाएगा तब तक वो शामिल नहीं होंगे, और अब तक बुलाने की कोई गुंजाइश दिखाई दी नहीं गई है, तो बड़ा सवाल ये है कि क्या परसों होने वाली रथ यात्रा में शिवपाल यादव शामिल होंगे या नहीं होंगे। और अगर शिवपाल यादव शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद इसका जो तस्वीर होगा, जो एक ऐसा दिखाई देगा वहां पे साफ हो जाएगा कि जो दोनों के बीच तल्खियां हैं वो इस स्तर पर आ गई हैं कि बड़े बड़े आयोजनों से भी शिवपाल यादव अपने आप को किनारा कर रहे हैं। दूसरी ओर आप ये भी देखिए कि 3 तारीख को रथ यात्रा के बाद 5 तारीख को समाजवादी पार्टी का जो जयंती समारोह है उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। तो अगर शिवपाल यादव रथ यात्रा में शामिल नहीं होते हैं, इसके बाद रजत जयंती समारोह का जो मंच होगा वो किस तरह का होगा ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव से पहले कह चुके हैं कि वो रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे, लेकिन अगर ये तल्खी किस स्तर पर आकर के शुरू होती है कि जब शिवपाल यादव ये ऐलान करते हैं कि बगैर बुलाए वो नहीं जाएंगे, ऐसे में दोनों ही आयोजनों पर जो सीधा असर है समाजवादी पार्टी की तल्खियों का, ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल अनामिका, जिस तरह से कोशिश की जा रही है, एक तरफ शिवपाल यादव महागठबंधन की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो अपनी योजनाओं के जरिए, रथ यात्रा के जरिए एक पार्टी को जोड़ने और आगे ले जाने की और आगे वाले चुनाव में जो है एक बेहतर भूमिका अदा करे इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये तल्खी क्या मैसेज देगी ये एक बड़ी बात है कि साफ तौर पर जिन चीज़ों को इनकार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, वो अभी भी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कार्यकर्ताओं में जाहिर सी बात है कि इस तरह से अगर शिवपाल यादव नहीं पहुंचते तो एक गलत मैसेज जाएगा और जो टूट की बात है वो और मुखर रूप से निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो बगैर आमंत्रण के रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे शिवपाल, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। अहम खबर इस वक्त की, रथ यात्रा में शिवपाल यादव शामिल नहीं होंगे।